मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके प्रण करिए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और भारत देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। देखो हम लोग स्ट्रेट लाइंस में आगे एक दो और अच्छे क्वेश्चंस करें। जैसे कि मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, क्या क्वेश्चन है देखो, कि इफ लाइंस के एक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो, टू एक्स माइनस के माइनस वन वाई माइनस वन बराबर जीरो, है ना, लाइंस आर कोइंसिडेंट, दीज टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, देन फाइंड के, के की वैल्यू बतानी है क्या होगी अगर लाइंस कोइंसिडेंट है। तो देखो बेटा लाइंस कोइंसिडेंट हैं या उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बात बराबर है, है ना। हम ये कहें कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं या ये कहें कि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, बात बराबर है। देखो ध्यान दो, क्या होता है अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं, तो मैंने क्या बताया था, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। देखो एक्स का कोफिशियंट के, एक्स का कोफिशियंट टू के बाई टू इक्वल टू वाई का कोफिशियंट माइनस वन, यहां वाई का कोफिशियंट माइनस ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टर्म टू बाई माइनस वन। तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लाइंस के कोइंसिडेंट होने की कंडीशन मिलेगी, ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, ठीक है। देखो अब जैसे इसमें क्या होगा, हमें के चाहिए, तो देखो होता क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया यहां पर। देखो जैसे कभी भी अगर तीन चीजें इक्वल हैं, जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, मैंने कहा कि फाइंड एक्स इफ x माइनस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस फोर, मान लो तीन चीजें बराबर हैं और मैंने कहा x बताइए, तो अब आप क्या करोगे, देखो दो दो को लेकर चलोगे, पहले इन दोनों को लेकर चलोगे फिर इन दोनों को लेकर चलोगे। जैसे अगर हम इन दोनों को लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x माइनस वन बराबर टू एक्स प्लस वन, इन दोनों को लेकर चले, देखो यहां से क्या मिला x माइनस टू एक्स बराबर वन प्लस वन, तो माइनस एक्स बराबर टू, एक्स बराबर कितना हो गया माइनस टू हो गया इनसे, है ना। इन दोनों को लेकर चलेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस टू। अच्छा अगर इन दोनों को लेकर चलें, देखें क्या होगा, टू एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस फोर माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस फाइव हो गया, x इक्वल टू माइनस फाइव। देखो इन दोनों से x ये आया, इन दोनों से x ये आया, और x की जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं आई, अलग अलग आई, तो कुल मिला के इस पूरे का आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। क्योंकि देखो ऐसा x चाहिए जो तीनों को बराबर कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छे अच्छे लोग यहां गलती कर जाते हैं मेरे बच्चों, समझ लो ध्यान से इसको। तो इन दोनों से ये मिला और इन दोनों से ये मिला। अब जैसे अगर मैं x को माइनस टू रखूंगा तो वो इन दोनों को इक्वल करेगा, इनको इक्वल नहीं करेगा। अगर मैं माइनस फाइव रखूंगा तो वो इन दोनों को इक्वल करेगा, इसको इक्वल नहीं करेगा। तो ऐसा x नहीं है जो तीनों को बराबर करे, तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या आ गया, नो सोल्यूशन। इस पूरे का आंसर क्या आ गया बोलो, इसका आंसर आ गया नो सोल्यूशन कुल मिलाकर के। मतलब अगर कोई x ऐसा होता जो इन दोनों में सेम होता तो वो आंसर माना जाता। जैसे यहां पर मान लो x आया और यहां पर x आया, या ऐसा कहें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, जैसे इसका इसका इंटरसेक्शन फाई, इंटरसेक्शन फाई क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। अगर कुछ ऐसा आता जो दोनों में कॉमन होता तो वो आंसर होता, जैसे यहां भी x2 आता और यहां भी x2 आता तो वो आंसर होता। या जैसे मान लो यहां पर x की वैल्यू 2 और 3 आती और यहां पर x की वैल्यू 2 और 4 आती,
मान लो अगर यहाँ x की वैल्यू 2 और 3 आती, मान लो दो वैल्यू आती, मान लो ये क्वाड्रेटिक होता, मान लो ये क्वाड्रेटिक होता, x 2 मिलता और यहाँ से भी x 2 मिलता, मान लो ऐसा होता, तो यहाँ से x की वैल्यू मान लो 2 और 3 आती और यहाँ से x की वैल्यू मान लो 2 और 4 आती, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया, इधर से 2 3 इधर से 2 4, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया, जो कॉमन हो गया वही आंसर माना जाता। लेकिन यहां तो अकेली अकेली वैल्यू आई है और वो भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन। ध्यान देना, तीन चीजें बराबर तो ध्यान से चलना पड़ता है। देखो वही चीज यहां पर भी है। इसमें देखो पहले हम इन दोनों को ले लें, अगर इन दोनों को ले लें तो क्या होगा, के बाई टू बराबर 1 बाई k-1। इन दोनों को लिया, फर्स्ट सेकेंड को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर माइनस के बराबर 2, तो क्या हुआ, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 बराबर 0, है ना? बोलो, सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के माइनस 2 बराबर 0, k कॉमन आया, k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आया, k माइनस 2 बराबर 0। देखो k की दो वैल्यू आई, 2 और माइनस 1, देखो ये k के दो आंसर आए, 2 और माइनस 1, ठीक है? इसको इसको देखें, इसको इसको इक्वल करें, तो क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन k माइनस 1 बराबर 2 अपॉन माइनस 1, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 बराबर 2k माइनस 2, तो देखो यहां से 2k बराबर कितना हो गया, 1, तो k बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया, है ना? माइनस 1 बराबर 2k माइनस 2, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 1, तो k बराबर। अब देखो इससे 2k मिले और इससे k की एक वैल्यू मिली, लेकिन कोई भी कॉमन नहीं मिली, तो मतलब इसका भी आंसर हो गया नो वैल्यू ऑफ k। बोलो क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया नो वैल्यू ऑफ k, मतलब k का कोई आंसर हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि इससे तो दो आंसर मिले, इससे अकेला आंसर मिला, देखिए ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, है तो नहीं बसे, सब कुछ ठीक है भाई। तो कुल मिला के कोई भी आंसर कॉमन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नो सोल्यूशन। ध्यान देना इस बात पे भाई मेरे, ध्यान दे लेना। लिख लो जल्दी से, लिख लो। ठीक है, करो जल्दी से। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए गंगा। अच्छा देखो इसी में थोड़ा चेंज करें, मान लो मैं कोइंसिडेंट की जगह कर दूं, लाइंस आर पैरेलल, चेंज कर दिया सवाल, लाइंस को पैरेलल कर दिया। अब देखो पैरेलल में क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, पैरेलल में क्या होगा समझो, पैरेलल में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ गए? अरे समझ गए, ठीक है? देखो ध्यान दो, इसको इक्वल लिया, ये आया, इसको इक्वल लिया, इसको इक्वल लिया तो ये आया, लेकिन एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये दोनों बराबर ना हो, तो इसका मतलब k को 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां भी नॉट इक्वल टू आएगा, यहां भी नॉट इक्वल टू आएगा, यहां भी, यहां भी, अगर इन दोनों को नॉट इक्वल टू करेंगे तो यहां भी नॉट इक्वल टू, 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 हर जगह नॉट इक्वल टू आएगा, और अगर ये दोनों बराबर
तो के का ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब कुल मिला के आंसर क्या होगा, देखो हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू और नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर और इन वैल्यू पर दोनों बराबर, मतलब ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए हैं अब और ये नहीं चाहिए, समझे। तो देखो कुल मिला के हमारा यहां पर जो आंसर बना वो के दो आंसर आए, टू और माइनस वन, ये हमारे फाइनल आंसर। क्योंकि देखो आप केवल यही दोनों वैल्यू ले रहे हैं, इसका मतलब कोई और वैल्यू आप ले ही नहीं रहे, तो ये वैल्यू भी आप छोड़ ही रहे हैं, मतलब ये हुआ आप केवल यही दो आंसर तो ले रहे हैं के टू और माइनस वन, मतलब हम चाहते दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो गए बस, इसके बराबर ना हो। तो आप कह रहे हो कि ये बराबर नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो ये हम ले ही कहां रहे, तो वैसे भी नहीं ले रहे, मतलब आप समझो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये लेना ये नहीं लेना, तो बस बात खत्म हो गई, इसको लेना इसको नहीं लेना है ना, इसको लेना है और इसको नहीं लेना, जब आप इसको लोगे तो इसको कहां ले रहे हो, तो ये दोनों आंसर हो गए अपने पास पैरेलल के केस में, समझ गए कि नहीं, बोलो भाई समझ गए ना, मतलब ये आते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाएं, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें फंक्शन वगैरह का आइडिया होना चाहिए, महाराज पहले फंक्शन पढ़ लो, उसमें मैंने इंटरसेक्शन यूनियन 11 क्लास की प्लेलिस्ट है, फंक्शन 11 12 दोनों एक साथ दिया, डोमेन की प्लेलिस्ट है, उसमें वेविकर मेथड वगैरह है, सब कुछ है, इन इक्वेशन के तरीके हैं, वो बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, ध्यान देना वो हर जगह आ जाएगा, देखो यहाँ भी उसका यूज आ जाएगा। एक तरीका समझने का ये कि आपने समझ लिया इसको लेना इसको नहीं लेना, काम खत्म हो गया। लेकिन देखो बेटा अगर हम इसको और डिटेल्स देखें तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इसके पास क्या है, दो चीजें हैं, क्या, टू और माइनस वन, और इसके पास हाफ नहीं है, हाफ नहीं है तो इसका मतलब इसके पास क्या है, इसके पास है आर माइनस हाफ, इसके पास केवल दो चीजें हैं, क्या, टू और माइनस वन, इसके पास हाफ नहीं है, तो हाफ नहीं है का मतलब इसके पास हाफ को छोड़कर सारी वैल्यूज है ना, इसके पास केवल दो वैल्यूज हैं और इसके पास 1 बाई 2 को छोड़कर सारी वैल्यूज है। तो देखो क्या आंसर हुआ, ये कहता है कि हाफ को छोड़कर सब कुछ, तो मान लो यहां पर हाफ है तो हाफ को छोड़ दिया, हाफ को छोड़कर सब कुछ हमें लेना है, ये कहता है कि हाफ को छोड़कर आप सब कुछ ले सकते हैं, तो r माइनस हाफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ, ये कहता है कि केवल 2 को लोगे तो 2 कहीं आगे होगा उसको लोगे, और केवल माइनस वन को लोगे, माइनस वन कहीं पीछे होगा इसको लोगे, बस ये कहता है कि आपको ये दोनों लेने हैं बस, तो आपको केवल दो पॉइंट्स लेने हैं। तो अब आप जरा ध्यान दो कि कॉमन क्या हुआ, देखो इसमें और ये दो पॉइंट्स में कॉमन क्या हुआ, देखो यही कॉमन हुआ, ये कॉमन और ये कॉमन, तो मतलब हमारे आंसर केवल दो हैं, और वो क्या है, वो यही है, देखो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तब भी यही आंसर आएंगे। तो पैरेलल के केस में सवाल को ऐसे करना है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं करो जल्दी से। और हाँ कोई बात ऐसा तो होगा नहीं कि समझ में ना आए, अगर कुछ समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखो, आएगा सब समझ में आएगा, हार नहीं माननी, जिसने हार ना मानना सीख लिया समझ लो जिंदगी में उसने कुछ कर लिया, हार मान गए तो कुछ नहीं करना, हार नहीं माननी, पीछे पड़े रहो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, अरे जब हम समझ लिए तो तुम क्यों नहीं समझोगे, हम तो बहुत कम दिमाग वाले इंसान हैं, जब हम समझ लिए तो तुम कहे नहीं समझोगे, करो जल्दी से। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए युग युग से इस देश। अब देखो इसी में तीसरा सवाल, इसको मैं कर दूं इस बार इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सोल्यूशन, ध्यान देना, देखो
पैरेलल लिखें या नो सॉल्यूशन लिखें, बात बराबर है। इंटरसेक्टिंग लिखें या यूनिक सॉल्यूशन लिखें, बात बराबर है। इंटरसेक्टिंग लिखें या यूनिक सॉल्यूशन लिखें, बात बराबर। देखो क्या होता है इंटरसेक्टिंग में, क्या होता है ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, और वो इसको देखता ही नहीं, इसको इंटरसेक्टिंग वाला लेता ही नहीं, मतलब इसको आप हटा ही दो, इसको भगा दो कि दूर हो जा मेरी नजरों से, आज से तेरा मेरा वास्ता खत्म। अब जब भी हम मिलेंगे तो बंदूकों के साथ मिलेंगे, अब तक तूने मेरी दोस्ती देखी अब दुश्मनी देखोगे, मेरी गलियों में कभी कदम मत रखना, इस टाइप के डायलॉग बोलकर इसको भगा ही दो अब यहां से। मतलब कह रहे हैं कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता, C1 by C2 के बराबर हो ना हो, नो इफेक्ट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीवन में तेरे होने या ना होने का, निकल जाए यहां से। खैर अब हमें ये नॉट इक्वल टू चाहिए, तो ये भी नॉट इक्वल टू, 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 तो मतलब अब मेरा आंसर क्या हुआ, अब मेरा आंसर हुआ कि के नॉट इक्वल टू टू एंड माइनस वन, मतलब हमें के की ये दोनों वैल्यू नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या इनको छोड़कर सब कुछ, तो आंसर क्या हुआ आर माइनस टू एंड माइनस वन, तो ये हमारा के का फाइनल आंसर हुआ, मतलब हमें k की ऐसी वैल्यू चाहिए, है ना, मतलब हमें k की ये वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब हमें k की ये वाली वैल्यू चाहिए कि 2 और माइनस वन के अलावा जितने भी k आएंगे वो सब हमें बर्दाश्त हैं, वो सारे k हम ले लेंगे, 2 और माइनस वन के अलावा सारे k हम ले लेंगे, तो ये हमारे सवाल का आंसर हुआ। तो इस टाइप के सवालों में बहुत से सवाल ऐसे होंगे डायरेक्ट हो जाएंगे, देखो इसमें दिक्कत क्या थी, दो तरफ के था ना, इसलिए सवाल फंस गया, दो तरफ के हो या तीन तरफ के हो तो सवाल फंसेगा, अकेला के हो तो सवाल फटाक से निकल जाएगा, ये सवाल थोड़ा मैंने जानबूझकर मुश्किल लिया है, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी इसको। जब तक मैं थोड़ा अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं, थोड़ी सी इंक पिला दूं, गलती तो नहीं कर दूं, हो मार्कर हो सार्कर, तू पी लेगा इंक मेरे मार्कर, इंक डाल रहा हूं महाराज, इंक डाल रहा हूं। तुम लोग सोचते हो कि सर का बाकी कमरा कैसा है, ये तो बड़ा अच्छा दिखता है, बाकी मत देखो महाराज, बहुत गंदगी पड़ी हुई है, यही केवल साफ कर लिए हैं, गंदगी से मतलब कचरा नहीं पड़ा है, लेकिन कपड़े यहाँ फेंके वहाँ फेंके, किताबें यहाँ फेंकी वहाँ फेंकी, सब ऐसे ही चलता है मास्टर लोगों का जीवन, तुम क्या समझे, मास्टर को ऐश होती है, मास्टर का जीवन कष्टों से भरा है बच्चों। इसमें भी देखो जरूरत है इंक की, मास्टर जो है ना उसके जीवन में बहुत ही कष्ट रहते हैं बेटा, तुम मास्टर ना बनना कभी, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना, इंजीनियर बन के ऐश करना, आजकल जमाना उल्टा हो गया, लोग पहले इंजीनियर बनते हैं फिर मास्टर बन जाते हैं, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है, मैं पैदाइशी मास्टर हूँ, मैंने MSc किया हुआ है ना, मैं पैदाइशी टीचर हूँ, वरना आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लड़के इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ से IIT से NIT से, फिर टीचिंग लाइन में आ जाते हैं, क्या करेंगे IIT वालों को पढ़ाएंगे, टीचिंग लाइन में आ जाते हैं, तुम ऐसा नहीं करना, तुम इंजीनियरिंग करके सरकार का पैसा इंजीनियरिंग में इतना खराब करके अच्छे इंजीनियर बनना, कुछ नई टेक्नोलॉजी खोजना, मास्टरी नहीं करना वापस आके, अच्छे इंजीनियर बनो, नई टेक्नोलॉजी खोजो, तब फायदा होता है ना, चलो फिर ध्यान दो। क्योंकि इंजीनियरिंग में जब बच्चा IIT से इंजीनियरिंग करता है ना, सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है उस पर, तुम्हें क्या मालूम ऐसे इंजीनियरिंग हो जाती है, कितने बड़े बड़े प्रोफेसरों को पैसा देना पड़ता, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ता, तब एक बच्चा इंजीनियर बनता है, और बच्चा इंजीनियर बनके देश को क्या देता है, कुछ नहीं,
या तो विदेश जाता है, उसको जाके कुछ सब कुछ दे देता है। ठीक है, तो अच्छे इंजीनियर बनो, कुछ नई टेक्नोलॉजी खोजो, दिमाग लगाओ। चलो खैर आगे बढ़े, ये सब इमोशनल बातें हैं, तुम चक्कर में ना पड़ना इनके। तो ये वाला सवाल बच्चों हमने कुल मिलाकर के खत्म किया, जो काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ओइंसिडेंट, ये सब हम लोगों ने यहां पर कर डाला। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस भी हमने यहां पर किया। ठीक है, देखो अब जैसे हमने देखा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो M1 बराबर M2 होता है, हालांकि कोइंसिडेंट में भी होता है लेकिन पैरेलल में भी होता है, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो M1 into M2 बराबर कितना होता है बोलो, माइनस वन होता है। ये बात हमने देखी। जैसे कि अब हम जरा इसका यूज करें, है ना, इसका यूज करें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया गया, इफ लाइंस 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, के एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, क्या दिया गया बोलो, दिया गया है परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, फाइंड के बताना है क्या होगा। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो के की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसका स्लोप निकाला M1, क्या होगा बोलो, इसका स्लोप 2 बाई 3 होगा ना, आप जान गए हो ना इतना, y बराबर mx प्लस c फॉर्म में लिखो। ठीक है, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा k, y बराबर kx माइनस 2। ठीक है, तो अब दिया क्या गया, दिया है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब M1 into M2 बराबर माइनस 1। तो क्या हुआ, 2 बाई 3 इंटू के बराबर माइनस 1, एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस, तो के बराबर क्या हो गया, के बराबर हो गया माइनस 3 बाई 2, ये लाइंस का परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। ठीक है, ये लाइंस का परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। ठीक, अब देखो मतलब एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस 1 कर दिया, तो M1 की वैल्यू, इसका स्लोप 2 बाई 3, इसका स्लोप कितना है K, तो M1 into M2 बराबर माइनस 1 हो गया, तो यहां से K की वैल्यू आ गई। अब मान लो इसी में कहता कि लाइंस पैरेलल हैं, तो वही अभी सवाल हमने किया था ना, वो करके देखेंगे। अब उसमें देखो कई बार क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, कई बार क्या होता है इसमें कि अगर मान लो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि लाइंस पैरेलल है, मान लो जैसे इस सवाल में हमें यहां पर दिया होता कि लाइंस कैसी हैं बोलो, पैरेलल, थोड़ा चेंज कर दिया, लाइंस कैसी हो गई बोलो, पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, कहते हैं कि M1 बराबर M2। ठीक है, तो देखो 2 बाई 3 बराबर K, तो K की देखो वैल्यू सीधे सीधे आ गई। अच्छा, अगर हम उससे चलें जो अभी हमने पिछले किया था, वो क्या था, वो था A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, है ना, ये पैरेलल की कंडीशन थी, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अब देखो जैसे इसको इसको ले, तो 2 बाई के बराबर 3, तो k बराबर कितना हो गया 2 बाई 3, यही देखो यहां से आ गया, और ये कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं, तो वो तो बराबर नहीं है ही, ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं तो k मिला, कह रहा दोनों बराबर नहीं, और ठीक है दोनों बराबर नहीं है, देखो दिख रहा दोनों बराबर नहीं, तो यही अपना आंसर आ गया, क्योंकि देखो इसमें एक ही जगह पर k था ना, इसलिए ये सवाल इजी है, एक ही जगह पर के था बेटा, इसलिए सवाल ये इजी है, तो के का ये आंसर हो गया पैरेलल के केस में, जो यहां से भी निकल आया। लेकिन ध्यान रखना, अगर पैरेलल दिया जाए तो केवल इससे नहीं करना, अब जैसे पिछली वाली जो लाइनें थी जहां पर के दो जगह था, ठीक है,
तो वहां थोड़ा होशियार होके ये वाली कंडीशन लगाना पैरेलल की, ऐसे सवालों में ध्यान देना, नहीं तो गलती कर जाओगे। अब जैसे मान लो इसी में है ना, तो परपेंडिकुलर में तो ये ठीक है, m1 into m2 बराबर माइनस वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर में m1 into m2 बराबर माइनस वन से कोई समस्या नहीं, हमेशा सही आंसर आएगा। लेकिन पैरेलल में ध्यान रखना, अगर खाली m1 बराबर m2 पर गए तो गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि m1 बराबर m2 इस वाली केस को तो देख रहा है, इसको देख ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैं कर दूं यहां पर लाइंस कोइंसिडेंट, अगर मैं लाइंस को कर दूं कोइंसिडेंट, तो अब क्या होगा? देखो, अब ध्यान देना, कोइंसिडेंट में भी m1 बराबर m2 होता है, क्योंकि m1 बराबर m2 दोनों केस में होता है, पैरेलल में भी कोइंसिडेंट में भी। लेकिन ध्यान देना, अगर तुमने खाली m1 m2 से करा तो गलत हो जाएगा। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है। तो इससे तो तुम्हें k मिल जाएगा 2 by 3, इससे मिला। लेकिन ध्यान दो, इन दोनों को इक्वल करो, पहले वाले से तुमको k बराबर मिल गया 2 by 3, लेकिन इन दोनों को इक्वल करो तो 3 by 1 बराबर 1 by 2, तो क्या ये दोनों कभी इक्वल है? कभी नहीं। क्या ये दोनों कभी इक्वल है? कभी इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो गया नो वैल्यू ऑफ k। अगर मैं कहता हूं ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हैं, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना, ये दोनों ही गलत हैं। क्योंकि देखो, कोइंसिडेंट में ये लगाना खाली m1 बराबर m2 से नहीं करना, इसलिए पैरेलल और कोइंसिडेंट में इस टाइप के सवाल इन कंडीशन से करना ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मेरे बच्चों गलती कर जाओगे, ये आईआईटी है, ये दिमाग लगाते हैं प्रोफेसर, आईआईटी वाले जो हैं ऐसा ही नहीं पेपर दे देते हैं, समझे? तो अब ये गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया नो वैल्यू ऑफ के। क्या आंसर हो गया बोलो? नो वैल्यू ऑफ के इस सवाल का आंसर हुआ। कोइंसिडेंट वाले सवाल का आंसर क्या हुआ? नो वैल्यू ऑफ के। तो भैया मेरे, ये सवाल जो हैं अगर ध्यान से ना किए तो बवाल बन जाते हैं फिर, समझे? तो बड़े ध्यान से करना है। तो आज हम लोग ये क्लास अपनी यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगली क्लास में और अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक लाइन के पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं, एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं, फिर वो ट्रायंगल वाले केस वापस देखेंगे कि ऑर्थो सेंटर, मैंने बताया था ना ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका, सरकम सेंटर निकालने का तरीका, वो सब यहां चुन चुन कर आएगा। एक एक सवाल को चुन चुन कर करूंगा। देखो जल्दी से,